So, dear students and parents, this video is basically for you that how to start Google Classroom, कि Google Classroom को ऐसे start करना है. So, students, dear students and parents, आपको school की साइट से इस तरह का user ID and password WhatsApp group पे या class teachers के through मिला होगा. So, आपको क्या करना है? This is Google Classroom ID and password. I have taken an example of one student. जिसका ये आईडी है एंड पासवर्ड है जिसको स्कूल की साइट से मिला है. नाउ आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन gmail.com. सो ऑन गूगल क्रोम. सो आई हैव ओपन ऑलरेडी gmail.com ऑन गूगल क्रोम. तो इस तरह से आपको gmail.com गूगल क्रोम पे ओपन करना है एंड आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. बट आप कोशिश करिए कि आप उसको इन कॉग्निटो मोड पे ओपन करें. तो इन कॉग्निटो मोड यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. आपको यहाँ पे तीन डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. एंड जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा न्यू इन कॉग्निटो मोड. देखिए आप यहाँ पे भी टाइप करके यूज़ कर सकते हैं बट इन कॉग्निटो मोड में थोड़ा सा अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, सेफर वे में यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम ओपनिंग दिस इन कॉग्निटो मोड. तो जब हम इन कॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं तो गूगल क्रोम का ही एक अलग से सेफ मोड होता है. तो इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आ जाती है. ओके, नाउ आपको क्या करना है, जो आपको आईडी स्कूल से मिला है, अगेन सबसे पहले आपको यहाँ पे gmail.com ओपन करना है. सो मैंने यहाँ पे जीमेल www.gmail.com ये मैंने ओपन कर लिया. नाउ मुझे यहाँ पे आपको जो स्कूल से आईडी मिला है वो स्कूल्स वो आईडी यहाँ से आपको कॉपी करना है. आप कोशिश करिए कि कॉपी करें, क्योंकि आप जब टाइप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप एक आध वर्ड या एक आध कैरेक्टर इसमें से मिस कर दें. तो जब भी आप एक आध वर्ड सपोज आपने एस टाइप करना मिस कर दिया तो आप उसको लॉग इन नहीं कर पाएंगे. तो कोशिश करें कि आप इसको कॉपी करें या टाइप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसमें मिस्टेक्स ना हो. तो मैंने यहाँ पर टाइप कॉपी करके पेस्ट किया. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन. नाउ आपको यह पासवर्ड कॉपी करके आप कोशिश करिए कि पासवर्ड भी कॉपी करके पेस्ट करें या अगेन आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो. तो जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जब फर्स्ट टाइम आप इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर विल आस्क यू टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड. मतलब फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आपको जो पासवर्ड सेट करना है, आप जो भी पासवर्ड चाहते हैं, क्योंकि ये पासवर्ड आपको स्कूल से मिला था तो आप जो भी पासवर्ड चाहते हैं तो वो पासवर्ड आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. तो मैं अब मेरे अकॉर्डिंग नया पासवर्ड सेट कर लेता हूँ. जो या स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं. सो मैं अपने अकॉर्डिंग एक नया पासवर्ड सेट कर लेता हूँ. ओके, और जो भी पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं नया पासवर्ड, आप कोशिश करिए कि उसको कहीं लिख के रखें, क्योंकि अगर आप ये पासवर्ड मिस हो जाता है तो अल्टीमेटली आपको स्कूल को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको खुद आपके लिए रिसेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे रिसेट कर रहे हैं आप कोशिश करिए कि उसको संभाल के कहीं नोट करके लिखें. तो फर्स्ट लॉगिन पे जो भी स्कूल से आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जैसे ही आप उससे लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट लॉगिन पे वो कंप्यूटर आपको पासवर्ड नया पासवर्ड सेट करने का पूछेगा. तो मैंने यहाँ पे नया पासवर्ड सेट कर दिया है. जैसे ही आप नया पासवर्ड सेट करके नेक्स्ट करेंगे, और ध्यान रखिए कि जो भी नया पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं तो आप उसको संभाल के रखिए, कहीं नोट करके रखिए. ओके, सो जैसे ही आप नया पासवर्ड सेट करेंगे तो यू विल सी दिस जीमेल अकाउंट. ठीक है, आपको इस तरह का जीमेल विंडो दिखेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक मेल आया हुआ है, क्लास इन्विटेशन फॉर 9C. जब आप इस मेल को ओपन करेंगे तो दिस स्टूडेंट इज बेसिकली 9C, तो उसको 9C की जो उसकी क्लास टीचर है वहाँ का इन्विटेशन आया है, क्लास इन्विटेशन. तो स्टूडेंट को इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है. यहाँ पे भी स्टूडेंट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गूगल क्लास रूम कहाँ से स्टार्ट होगा. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डॉट्स हियर, स्टूडेंट्स हैव टू क्लिक हियर. जब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे तो दे विल सी द गूगल क्लास रूम हियर. बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें. तो आपने यहाँ से लॉग इन किया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑल दिस डॉट्स. उसके बाद आपको डॉट्स पे क्लिक करके यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्लासरूम ऑप्शंस. जब आप क्लासरूम ऑप्शन पे जाएंगे तो एक नई विंडो खुलेगी. सो आपका सारा काम यहां से होगा, विच इज कॉल्ड गूगल क्लासरूम. सो सी, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है. ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब आपका ईमेल आईडी आ रहा है तो आपका स्कूल से जो आईडी मिला है वही आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो. सो यहाँ यू हैव टू प्रेस ऑन कंटिन्यू. बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, टू यू हैव टू सिलेक्ट ऑन आई एम अ स्टूडेंट.
आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिलेक्ट करना है आई एम ए स्टूडेंट. सो सी यहाँ पे आपको क्लास इनविटेशन आया है जो आपकी क्लास टीचर्स ने भेजा है. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अ ज्वाइन ऑप्शन. सो वंस यू विल प्रेस ऑन अ ज्वाइन ऑप्शन तो आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है. सो ये क्लास अब हमेशा यहाँ विजिबल होगी. अगेन हम देखते हैं, अब थोड़ा सा इसको बैक जाते हैं. ये gmail.com ओपन हुआ है. नाउ आपको गूगल क्लासरूम में जाना है. तो आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे यू कैन सी दिस डॉट्स हियर. आपको इस डॉट्स पे क्लिक करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन अ क्लासरूम ऑप्शन. सो जब आप क्लासरूम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन सी योर क्लास हियर. नाउ हाउ टू स्टार्ट क्लास. सो सी आपकी क्लास टीचर्स या आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर्स होंगे वो आपको टाइम देंगे कि 10 o'clock पे हम क्लासरूम स्टार्ट करेंगे या क्लास स्टार्ट होगी. तो आपको सिंपल वे में ऐसे ही लॉग इन करके यहाँ पे क्लास में क्लिक करना है. सो क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी द क्लास बुक ऑप्शन. हियर इज अ स्ट्रीम ऑप्शन. यहाँ पे वो सारे आप अपडेट्स देखेंगे जो आपकी क्लास टीचर आपको भेज रही है. एंड हियर इज अ क्लास बुक ऑप्शन. सो क्लास बुक ऑप्शन पे वैन जब भी आपको टीचर्स टाइम देगा कि 11 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको क्लास बुक ऑप्शन पे क्लिक करके ओनली यू हैव टू क्लिक ऑन अ मीट ऑप्शन. जब आप मीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे बिकॉज अभी लाइव क्लास नहीं है, सो मीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा. तो ज्वाइन ऑप्शन से उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस तरह से कंप्यूटर विल आस्क यू कि कैन यू यूज माइक्रोफोन, यूज योर माइक्रोफोन, यूज योर कंप्यूटर. तो इन सब को आप अलाउ कर दीजिए. अभी लाइव क्लास नहीं है और इस तरह से ज्वाइन ऑप्शन आएगा. तो सेम टाइम पे जब आपको क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर्स बताएंगे कि 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, सो अगेन बैक. सो 11 बजे आपको इस मीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. सो अगेन इट्स वेरी इजी. सो अगेन इट्स वेरी इजी. सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. सो जो भी क्लास इनविटेशन मे बी बिकॉज 9C में स्टूडेंट्स के पास ओनली क्लासेस एक ही क्लास का इनविटेशन है. हो सकता है सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग क्लास क्रिएट कर दें. सो स्टूडेंट हैव टू सिंपली लॉग इन दिस अकाउंट एंड दे हैव टू गो ऑन अ फ्रॉम हियर. बाय क्लिकिंग हियर दे हैव टू गो ऑन अ क्लासरूम सेक्शन. एंड वंस दे विल गो इन क्लासरूम सेक्शन, they will see their class will appear here. Okay, so start using the Google Classroom and thank you for watching. Thank you.